अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और सर्दियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ जो मोस्टली सर्दियों में जो इशू रहता है ना इवन गर्ल्स के साथ। एक तो होता है ना कि एज के साथ साथ भी ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है ये अब हर किसी को इशू होता है। लड़कियाँ हो गई, लड़के हो गए, मर्द हज़रात, औरतें, ख़वातीन, सबको ये इशू सर्दियों में लाजमी हो जाता है, इवन मुझे भी। तो अभी सर्दियों का इनिशियल स्टार्ट है तो इस वजह से मैंने सोचा मुझे इसकी ज़रूरत थी, तो मैं बना रही थी। सो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये शेयर करूं। एक बहुत ईजीली आपके घर पे सब चीज़ें मौजूद होंगी, उसके साथ हमने एक क्रीम टाइप से क्रीमी सी हमने क्रीम रेडी कर लेनी है जो आपने लगानी है रात को सोने से पहले, और आपको विद इन 6 to 7 days आपकी जो क्रैक्ड हील्स होंगी वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आप कोई सी भी एम्प्टी, कोई भी डिब्बी टाइप कुछ भी ले सकते हैं, कोई क्रीम की बची हो या कुछ भी, उसको अच्छे से वॉश कर लें एंड मेक श्योर कि ये बिल्कुल भी वेट ना हो, अच्छी तरह से ये ड्राई होनी चाहिए। और इसके अंदर जो हमने फ़र्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है वही, इसके लिए मैं कहती हूँ एक अकेला ही इंग्रेडिएंट ही वो बहुत ही हेल्पफुल है एंड यूज़फुल है आपकी क्रैक हील्स को ठीक करने के लिए। बट अगर हम उसके अंदर कुछ चीज़ों की एडिशन कर दें तो वो हमारे लिए डबल फ़ायदा देगा। तो यहाँ पे मैं वेजलिन ले रही हूँ, पेट्रोलियम जेली। यहाँ पे मेरे पास जो है वो कोकोनट एंड आलमंड वाली है। मैं कोकोनट एंड आलमंड वाली वेजलिन को इसलिए ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ क्योंकि इसमें कोकोनट एंड आलमंड है। एज़ यू नो देयर आर ह्यूज बेनिफिट्स ऑफ आलमंड एंड कोकोनट ऑयल फॉर आवर हेयर, फॉर आवर स्किन। सो इट्स योर चॉइस कि आप अगर सिंपल पेट्रोलियम जेली यूज़ करना चाहते हैं वो वाली भी यूज़ कर सकते हैं, और आप अगर ये वाली ट्राई कर रहे हैं तो आई थिंक सो कि इसमें ज़रा ज़्यादा ये बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए, तो आप ये वाली वेजलिन को लें। मैं यहाँ पे सिंपली ऐसे 1 टेबलस्पून के इक्वल मैं यहाँ पे वेजलिन लूँगी। आप इसको मेल्ट भी कर सकते हैं फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको मेल्ट नहीं कर रही, अगर आप मेल्ट कर लेंगे बाद में भी ये वैसी ही हो जाएगी, अपनी कंसिस्टेंसी में वापस आ जाएगी। बट मैं इसको फ़िलहाल मेल्ट नहीं कर रही, मैं जस्ट एज़ इट इज़ बना रही हूँ। सो ये देखिए मैंने यहाँ ये अंदर से, जो हम सिंपल पेट्रोलियम जेली यूज़ करते हैं वो वाइट सी होती है, बट इसकी जो इसका जो कलर है ना ये है येलोइश। ये देखिए येलोइश, लाइट येलोइश सा कलर है इस वेजलिन का, और इसकी फ्रेगनेंस भी सिंपल वाली से ज़रा डिफरेंट है और बहुत ही अच्छी है, तो आप ये वाली ट्राई कर सकते हैं। सेकेंडली जो चीज़ इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ वो है जी कोकोनट ऑयल। मेरे पास यहाँ पे प्योर कोकोनट ऑयल है, आप सिंपली बाज़ार से भी ले सकते हैं, इट्स योर चॉइस। कोकोनट ऑयल में तो वैसे ही एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि बेसिकली इसके अंदर हम कोकोनट ऑयल का यूज़, मैं आपको बता दूं मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि कुछ इतनी क्रैक्ड हील्स हो जाती हैं कि उसमें से इवन के ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। सो इट्स बेटर कि अगर आप इसको ट्राई करते हैं ना तो आप उसके अंदर कोकोनट ऑयल की एडिशन लाजमी करें, क्योंकि ये इन्फेक्शन एंड ब्लीडिंग अगर हो जाती है तो उसको ये क्योर करेगा इसके साथ साथ। तो इसका फ़ायदा कोकोनट ऑयल का ये है इसके अंदर कि मैं क्यों ये ऐड कर रही हूँ। सो आपने यहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ़ टी स्पून के इक्वल आपने इसके अंदर कोकोनट ऑयल ऐड कर देना है, ठीक है। ये क्या करेगा, आपकी जो फीट की जो स्किन होगी उसको बहुत ही अच्छा हाइड्रेटेड रखेगा। सो आप इसकी एडिशन कोकोनट ऑयल की ज़रूर कीजिएगा। आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं बट इट बेटर कि आप कोकोनट ऑयल की तरफ जाएं। ये देखिए सिर्फ इतना सा, ऑलमोस्ट ½ टी स्पून के इक्वल मैंने इसके अंदर कोकोनट ऑयल ऐड कर दिया है। ये कह लें कि एक ये बैरियर की तरह काम करेगा आपकी स्किन के ऊपर, कि ये मॉइस्चर को लॉक कर देगा एंड आपकी जो क्रैक हील्स होंगी उनको हील करेगा, पहले की तरह नरम मुलायम बना देगा। एक तो सर्दियों में जब बहुत इशू होता है कि जब ये बेडशीट के साथ ये हील्स ही जो फट जाती हैं और लग रही होती है ना वो बहुत ही अजीब लगती हैं। सो वो थर्ड एंड लास्ट इंग्रेडिएंट इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ लेमन। आपने ओनली हाफ लेमन का जूस आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। लेमन इसके अंदर मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ कि जो लेमन के अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होंगी ना ये आपके ड्राई फीट को और आपकी क्रैक हील्स को ट्रीट करने में बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाली है। अगर आप इसको मेल्ट करके करते तो भी अच्छी मिक्स होती, लेकिन आपने यहाँ पे इसको अच्छी तरह से मिक्सअप करना है ताकि तीनों चीज़ें आपस में ना बहुत अच्छे से कंबाइन हो जाए। अच्छा, इसको एक तो आप इसको सिंपली ओवरनाइट लगा सकते हैं, रात को सोने से पहले अपनी क्रैक हील्स पे लगा लें। इवन यू कैन अप्लाई ऑन योर फुल फीट और ऑन योर हैंड्स, ऑन योर स्किन, ऑन योर फेस एरिया, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर लेमन है इसके अंदर अगर आपकी फेस की स्किन सेंसिटिव है तो आप उसको ना यूज़ करें, अपने हैंड्स एंड फीट पे यूज़ करें, अपने नेल्स पे आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी नेल्स की ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। सो यहाँ पे मैं बात ये होगी इसके कुछ कि इसको कैसे लगाना है, कहाँ लगा सकते हैं आप, ये सारी चीज़ें इसकी हमने देख ली हैं। नेक्स्ट, अगर आप इससे ज़्यादा फ़ायदा चाहते हैं ना तो आप क्या करें, आप सबसे पहले अपनी जो फीट है उसको वार्म वाटर के अंदर सॉक कर लें, ठीक हो गया। यहाँ सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह ये क्रीमी की टेक्सचर की तरह लगेगा आपकी। आपने जस्ट थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है और देन आपने उसको अपने ऐसे क्रैक हील्स जहाँ पे है उसको आपने लगा लेना है। और अगर आप इसको हैंड्स पे लगाएंगे तो ये आपके शाइन भी प्रोवाइड करता है। जब अर्ली मॉर्निंग आप जब अपनी हैंड्स को वॉश करेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क नज़र आएगा, आपके हाथ साफ़ हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं बात कर रही थी कि अगर आप इसको यूज़ करने से पहले अपने जो फीट हैं उनको सॉक कर लें, देन उसके बाद किसी भी टॉवल के साथ वॉश कर लें। और वो 10 मिनट इनफ हैं, और किसी भी टॉवल के साथ वॉश कर लें। और वॉश करने के बाद फिर उसके ऊपर आप ये लगाएं ये वाली क्रीम, तो ये बहुत ही जल्दी आपको इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे। खुद की केयर करने से केयर होती, किसी ने आके नहीं कर देनी होती। तो सर्दियाँ जैसे आ गई हैं बल्कि, तो इसी को अगर आपके साथ ही इशू है तो इसको अभी से स्टार्ट कर दें ठीक करना, क्योंकि जब ये ज़्यादा हील्स क्रैक्ड हो जाती हैं फिर उनको क्योर करना बहुत ही मुश्किल होता है। इवन उसमें वो दरारें से पड़ जाती हैं, वो सारा कुछ। तो अपने फीट्स को, हाथों के पे हम लोशन लगा लेते हैं, फीट्स को भी मॉइस्चराइज़ रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। हम फीट्स को मोस्टली इग्नोर कर देते हैं। सो आप इसको वैसे भी लगा सकते हैं रात को, लेकिन रात को ही लगाइएगा। और इवन आप अगर सॉक्स ऊपर पहन के सो जाएं तो वो भी अच्छा है, बट इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। सो आप ये वाला दोनों मेथड्स को ज़रूर ट्राई, वीक में एक बार अगर आप यूज़ कर लेते हैं, फीट को पानी में सॉक कर लेते हैं तो वो भी इनफ है, ठीक है जी। तो ये थी जी आज की वीडियो, होप्स आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।